पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल खतरे में। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने वकील आफताब बाजवा से कहा कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दिए जाने का खतरा है, जिस पर बाद में उनके वकील आफताब बाजवा ने यू टर्न ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने वकला को आज कहा है कि उन्हें साबिक वजीर आजम वाली सहूलियात नहीं दी जा रही, घर का खाना भी नहीं दिया जा रहा। बाद अज़ां उन्होंने एक और वीडियो बयान जारी किया, जिसमे उन्होंने पहले दिए गए बयान को गलत करार देते हुए कहा कि इमरान खान वकला से मुलाकात के दौरान 4 से 5 मर्तबा स्लो पॉइजनिंग की बात की, लेकिन मुझे समझने में गलती हो गई। वो इमरान खान ये कह रहे थे कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा सकती है और इसकी कोशिश भी हो रही है। आफताब बाजवा का कहना था कि इमरान खान ने स्लो पॉइजनिंग के खतरे का इजहार किया था, लिहाजा मैं अपने पहले बयान को दुरुस्त कर रहा हूँ कि पहले मैंने ये कहा था कि वो मुझे स्लो पॉइजनिंग दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मुझे स्लो पॉइजनिंग देने की कोशिश की जा रही है। आफताब बाजवा ने मुतालबा किया था कि डॉक्टरों की टीम पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का मुआयना करे। अब देखना ये है कि क्या इस पर अमल दरामद किया जाएगा या नहीं।